जेल के समय के भी बहुत से दोस्त हैं, और मैं वहाँ की लॉयर आंटी थी जब तक मैं जेल में थी। तो आंटी ये एप्लीकेशन लिख दो, आंटी मेरा चार्जशीट पढ़ दो, आंटी मेरा मेरी ये हेल्प कर दो। तो अभी भी चिट्ठियाँ आती हैं और मैं कोशिश करती हूँ कुछ लोगों को हेल्प करने की। जिस समय मैं एक्चुअली दिल्ली गई थी, मेरी इच्छा ये थी कि ज़िंदगी भर तो मैंने ट्रेड यूनियन का काम किया, उस दौरान मैं ज़्यादा समय उसको नहीं दे पाई, पर अभी वो एक क्रूशल स्टेज पर है, कॉलेज जाने वाली है, तो मुझे थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए। ये सोच के मैंने पहली बार एक फॉर्मल नौकरी, मतलब एज अ प्रोफेसर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दिल्ली में ली थी। और मैं सोच रही थी कि अभी थोड़ा समय मुझे परिवार के साथ मिलेगा, तभी मैं अरेस्ट हो गई। अर्धी जो समुदाय के लोग हैं, जिनको किसी भी कोई भी खाने में कहीं भी चोरी होती है, वो पारधी लोगों को उठा लाते हैं। और ये कई बार, मतलब पूरा का पूरा परिवार बच्चों के साथ आ रहा है। कभी किसी की मौत हो जाती थी, रोना धोना मच जाता था। मेंटली रिटार्डेड लोग थे, उनके अपने अपने दुख थे, मतलब बहुत कुछ देखने को मिला। और जैसे हमेशा होता है, ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग माइनॉरिटीज़ के, मुस्लिम महिलाएं थीं। जब बायकला गए, बायकला में तो हम बैरक में थे, तो एक तरह से तो वो बहुत ओवर क्राउडिंग का भी झेलना पड़ता है, हर चीज़ के लिए लाइन, टॉयलेट के लिए, खाने के लिए, दवाई के लिए, फ़ोन के लिए, हर चीज़ के लिए लाइन लगती है। वहाँ पे मजदूरी के बारे में एक और अजीब चीज़ पता चली, मतलब वहाँ पे वेजेस कितने कम है। न्यूनतम वेज भी नहीं। कहाँ न्यूनतम वेज की क्या बात कर रहे हो आप, मतलब बोर्डिंग लॉजिंग काट देते हैं, समझ लीजिए। मतलब जैसे तिहार जेल भी है, वहाँ न्यूनतम वेतन है, पर बोर्डिंग लॉजिंग काट के कुछ, मतलब कुछ बचता ही नहीं है। मतलब आप पे कर रहे हो जो आप खाना खा रहे हो उसके लिए। द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया था, तब मैंने एक लेख भी लिखा था, और मैंने लिखा था कि बहुत, यदि आदिवासियों को न्याय देना है तो ये बहुत कठिन काम सिद्ध होगा। कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने तरह का भाईचारा मिला, सॉलिडेरिटी बहुत मिली है मुझे। मतलब चाहे मेरी माँ की वजह से हो, चाहे मेरे यूनियन की वजह से हो, नियोगी जी की वजह से हो, या मेरे अपने जो वकालत का काम है, या टीचिंग का काम है, जिस जिस भी वजह से, कई बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की है। वरना तो मेरे लिए सर्वाइव यहाँ होना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि ना यहाँ घर है, ना यहाँ काम है, बैंक जीरो बैंक बैलेंस के साथ शुरुआत करना। तो और सबसे खराब बात है, अपनी जो कर्म भूमि है छत्तीसगढ़ से, मतलब अलग रहना एक, मतलब एक एग्जाइल जैसा, एक निष्कासन जैसा महसूस होता है। लेकिन एक तो मतलब कई लोग सामने आए मेरी श्योरिटीज़ वगैरह लेने के लिए, कोई प्रोफेसर, कोई जो ट्रेड यूनियनिस्ट, कोई आम आदमी पार्टी से भी कोई थे, कोई सोशल एक्टिविस्ट थे, तो इस तरह के लोग सामने आए, मेरी श्योरिटी भी ली उन्होंने। दोस्तों ने मुझे रहने के लिए घर का की मदद की। सबसे मुश्किल तो ये था कि कैसे लोगों से दूर, या जिंदगी भर, मतलब 25 साल की उम्र से मैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट से जुड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी फॉर्चुनेट हूँ कि मैं यहाँ पर एक सीनियर एडवोकेट के यहाँ बैठती हूँ, जो खुद भी लेबर लॉयर हैं, और कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ लेबर मैटर्स वगैरह भी करूँ। और ख़ास करके मेरा बहुत इंटरेस्ट भी है कि मैं लेबर कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में जाऊँ। तो वो एक काम मैंने लिया है। और कुछ मैं कुछ रिसर्च भी कर रही हूँ लेबर के ऊपर। जेल के समय के भी बहुत से दोस्त हैं, और मैं वहाँ की लॉयर आंटी थी जब तक मैं जेल में थी। तो आंटी ये एप्लीकेशन लिख दो, आंटी मेरा चार्जशीट पढ़ दो, आंटी मेरी ये हेल्प कर दो। तो अभी भी चिट्ठियाँ आती हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कुछ लोगों को हेल्प करने की।
उनके वकीलों से बात करने की कोशिश करती हूँ, पता लगाने की कोशिश करती हूँ कहाँ अटक गया है केस, क्या हो सकता है उनको। जी अभी लेकिन मुश्किल है कि अभी जेल वालों ने थोड़ा ये कहना शुरू कर दिया कि इनको क्यों लिखते हो, ये तो तुम्हारे वकील नहीं है। पर मैं समझती हूँ जो लोग बहुत सालों से अंदर हैं और ख़ास करके जिनका कोई फैमिली नहीं है, जिनके लॉयर्स ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पैसे तो ले लिए हैं लेकिन सालों से उसके बाद सूद नहीं लिए अपने क्लाइंट्स की, तो ऐसी बहुत सी औरतें हैं। और जो भी मैं उनकी मदद कर सकती हूँ मैं ट्राई करती हूँ कि मैं करूँ। और हाँ मतलब इतना दूर रहना परिवार से और ख़ास करके यूनियन के साथियों से है तो मुश्किल, चलिए कभी कभार फ़ोन वोन पे बात हो जाती है। जी नहीं, जी नहीं, अभी छत्तीसगढ़ जाना नहीं हुआ। मेरे क्लाइंट्स मुझे फ़ोन करते हैं छत्तीसगढ़ से कि भाई मैडम हमारा ये केस का भी क्या होगा, तो मैं कहती हूँ दूसरा लॉयर ढूंढ लो भाई क्या बोलूँ मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के लैंड एक्विजिशन के मैटर्स, फॉरेस्ट राइट्स के मैटर्स, लेबर मैटर्स, ये सब मैं किया करती थी वहाँ पर। और तो उनकी बड़ी मांग है कि मैं जाऊँ, अभी देखती हूँ मतलब समय के साथ यदि संभव हो सके थोड़े ये बेल कंडीशंस में रिलैक्सेशन करने का। तो इस एक साल में बिटिया आपके साथ आई रहने के लिए? हाँ दो तीन बार आई हैं, मतलब एक तो जब मैं छुट्टी छुट्टी थी उस समय एक हफ्ते आके गई, उसके बाद बीच में भी एक हफ्ते आके गई, अभी हाल में दिवाली में आई थी। हाँ, मिस बिल्कुल मिस करती हूँ। एंड मुझे मतलब ये 3 साल सही में उसके लिए बहुत ज़्यादा, जब मैं अलग थी तो जेल में थी तो उसके लिए बहुत लॉकडाउन का भी समय था, आना जाना प्रॉब्लमेटिक था, और वो आती भी थी तो भी काफ़ी परेशानी से मुलाकात हो पाती थी। मुझे याद है मेरे जन्मदिन के लिए वो आई और काफ़ी उसको भगाया गया कि भाई आप ना ये ऑफिस से ये करो वो करो, ये अपने आइडेंटिटी कार्ड सब फलाने थाने से एंडोर्स करा के लाओ वगैरह वगैरह, तो मतलब बहुत उसने ये सब झेला है। एंड जिस समय मैं एक्चुअली दिल्ली गई थी मेरी इच्छा ये थी कि ज़िंदगी भर तो मैंने ट्रेड यूनियन का काम किया, उस दौरान मैं ज़्यादा समय उसको नहीं दे पाई, पर अभी वो एक क्रूशल स्टेज पर है, कॉलेज जाने वाली है तो मुझे थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए, ये सोच के मैंने पहली बार एक फॉर्मल नौकरी मतलब एज अ प्रोफेसर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दिल्ली में ली थी। और मैं सोच रही थी कि अभी थोड़ा समय मुझे परिवार के साथ मिलेगा, तभी मैं अरेस्ट हो गई तो ये बड़ी विडंबना थी, तो उसके लिए बहुत मुश्किल रहा। पर चलिए अभी भी कम से कम बात हो जाती है, ये बड़ी बात है, नहीं तो जेल के अंदर तो वो भी नहीं हो सकता था। देखिए मैं जेल में तो करीब 3 साल रही, उसमें से आधा यरवड़ा जेल में था और आधा बायकला जेल में था, दोनों के अनुभव काफ़ी अलग अलग थे। क्योंकि जब हम यरवड़ा जेल में थे तो हम अलग सेल्स में थे, फांसी यार्ड के अंदर सेपरेट सेल्स के अंदर थे, हमें घुलना मिलना मतलब बहुत मुश्किल था प्रिजनर्स से। हालांकि हमारा जो जो स्ट्रक्चर था वो फांसी यार्ड एक पिंजरे की तरह था, मतलब उसके उस बार्स में से हम बाहर देख सकते थे, जो मैदान है बाकी लोगों को हम देख सकते थे। तो और फिर जब हम मुलाकात के लिए जाते थे, कोर्ट जाते थे, कैंटीन जाते थे, पानी भरने जाते थे या ऐसा कुछ काम करने के लिए जाते थे, तब थोड़े बहुत मेलजोल होता था, पर ज़्यादा समय हम बंद रहते थे। और उस बंद रहने के समय में मतलब समझ लीजिए शाम को बंद हो गए तो फिर सुबह तक वो अकेले आप उस सेल के अंदर हो। उस समय मैंने सहारा लिया लिखने का, ख़ास करके देखिए एक वकील के रूप में मैं जानती थी कि बहुत सारे लोग जो विचाराधीन हैं अंडर ट्रायल हैं उनकी मतलब उन्हें एक्चुअली बेल मिल जानी चाहिए या उनको बाहर आ जाना चाहिए या उनको ठीक तरह से लीगल एड नहीं मिल रही है या लीगल एड सिस्टम ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रहा है, उनको कोई रिलीफ नहीं दिला पा रहा है, ये सब चीज़ें कि ऐसा नहीं कि ये मेरे लिए अनजान चीज़ें थी,
लेकिन आप जब जेल जाते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत गहराई से समझ में आने लगती है। और आसपास मुझे मतलब चलती फिरती वो कहानियाँ थीं, उन चलती फिरती कहानियों को मैंने लिखना शुरू कर दिया था। फिर मैंने एक काम हाँ मतलब बहुत अब क्या बताएं, जैसे एक लड़की थी, उसका पति काफ़ी मारता पीटता था, और एक बार उसको रात के 12 बजे बीच बीच रात में उसको घर से निकाल दिया। छोटे बच्चे, एक एक छोटा सा 3 साल का बच्चा हो रहा होगा, एक उसकी गोद में बच्चा था, उसको लेके वो रात में निकल गई। वो इतने डिप्रेशन की हालत में थी कि चलते चलते नदी आ गई, उसने सोचा मैं जान दे देती हूँ, और कूद गई दोनों बच्चों के साथ। अब उसका दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, पता नहीं क्या, बच्चे मर गए, वो जिंदा रही। और उसे मतलब जल्दी जल्दीबाजी में उसका उसकी ट्रायल भी ख़त्म हो गई और उसका कन्विक्शन हो गया मर्डर के लिए, बच्चों की मर्डर के लिए। मतलब कभी कभी ऐसी कहानियां सुन के इतना अजीब लगता था कि मतलब बहुत, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, उसे खुद भी लगती थी वो ट्रेजेडी, लेकिन उसने मर्डर नहीं किया अपने बच्चों का। और ये चीज़ जो है शायद बताने वाला उसको, उसके पास वकील भी नहीं था और वो खुद भी नहीं बोल पाई। तो इस तरह की इतनी कहानियां हैं। मतलब वो लड़की जिसकी 15 दिन पहले शादी हुई और वहाँ उसकी जेठानी ने सुइसाइड कर लिया, तो वो अंदर है डाउरी डेथ के मैटर में। वो औरत जिसका पति पी के उसकी बच्ची के साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था, गुस्से में उसने पत्थर फेंक दिया उसके सर पे। मतलब वो एक मतलब एक हफ्ते के बच्चे को लेके आई थी, वो बच्चा अभी 4 साल का हो गया था। मतलब ये जो कहानियां हैं अपने आसपास, गैंगस्टरों की माएँ, गर्लफ्रेंड्स, पत्नियां जिनको कुछ पता ही नहीं है कि मतलब उनके पति कर क्या रहे हैं। तो एक तरह से आपने तो लीगल होस्टेज रखा हुआ है उनको ना। कभी किसी की मौत हो जाती थी, रोना धोना मच जाता था, मेंटली रिटार्डेड लोग थे, उनके अपने अपने दुख थे। मतलब बहुत कुछ देखने को मिला। और जैसे हमेशा होता है, ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग माइनॉरिटीज़ के, मुस्लिम महिलाएं थीं। सबसे ज़्यादा अगर डिस्क्रिमिनेशन मुझे वहाँ पर दिखा, पारधियों के साथ बहुत पारधी, पारधी जो समुदाय के लोग हैं, जिनको किसी भी कोई भी थाने में कहीं भी चोरी होती है, वो पारधी लोगों को उठा लाते हैं। और ये कई बार मतलब पूरा का पूरा परिवार बच्चों के साथ आ रहा है, ऐसे बहुत केसेस देखे मैंने। तो ये यरवड़ा की बात थी। यरवड़ा में इस तरह से था, लेकिन जब बायकला गए, बायकला में तो हम बैरक में थे, तो एक तरह से तो वो बहुत ओवर क्राउडिंग का भी झेलना पड़ता है, हर चीज़ के लिए लाइन, टॉयलेट के लिए, खाने के लिए, दवाई के लिए, फ़ोन के लिए, हर चीज़ के लिए लाइन लगती है। लड़ाइयाँ भी खूब होती हैं थोड़ी थोड़ी जगह को लेके। और पर वहाँ पे मैं बिज़ी रही मोस्टली एज ए लॉयर, कि मतलब जब लोगों ने समझा कि ये जो है किसी को कहा, क्योंकि वहाँ पे ना लोग डरते बहुत हैं कि कोई भी जो गॉसिप होता है ना, वो एकदम फैल जाता है। तो जब उन्होंने समझा कि मैं किसी के केस के बारे में किसी दूसरे को नहीं बताती हूँ, तो दैट वो एक लॉयर की एथिक्स होती है, आप हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखते हैं अपने क्लाइंट की बातें। तो जब ये उन्होंने समझा, तो उन्होंने मेरे पास आना शुरू कर दिया, आंटी मेरा चार्ज शीट पढ़ो, इसमें क्या कर सकते हैं, मुझे लिख करके दो पॉइंट्स। बहुत सारे लोग, आप सरप्राइज होंगे, मतलब 80-85% लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, मतलब लिख पढ़ नहीं सकते, और बाकी लोगों के लिए वो मराठी का चार्ज शीट पॉसिबल नहीं है। बांग्लादेशी हैं वो नहीं पढ़ सकते, जो उर्दू भाषी हैं वो नहीं पढ़ सकते, जो कन्नड़ भाषी हैं वो नहीं पढ़ सकते। जेलें नहीं बढ़ानी है। हाँ, जेलें नहीं बढ़ानी है। जी, मैं बहुत खुश हुई इसको सुन के, बहुत बहुत खुश हुई। मतलब एक्चुअली जब द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया था, तब मैंने एक लेख भी लिखा था, और मैंने लिखा था कि बहुत, यदि आदिवासियों को न्याय देना है तो ये बहुत कठिन काम सिद्ध होगा। और मैंने उसमें लिखा था कि जब वो गवर्नर थीं, तो उन्होंने जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट
और संथाल परगना एक्ट में उस समय की जो बीजेपी सरकार थी उन्होंने कुछ संशोधन लाने की कोशिश किए थे, जिसकी वजह से वहाँ बहुत आंदोलन चला झारखंड में। तो उन्होंने बहुत समझदारी का काम एज अ गवर्नर वो वापस उन्होंने विधानसभा में भेजे थे, उनको कहा था कि ये मैं साइन नहीं करूँगी, इसको आप पुनर्विचार करिए। तो मैंने उसका उस बात की सराहना करते हुए उनको कहा था कि मतलब ऐसा ही और करना पड़ेगा, अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें मतलब जो हम देख रहे हैं कि हिमांशु कुमार जैसे केसेस वगैरह जिसमें मतलब क्या मतलब कोई आदिवासी सुप्रीम कोर्ट में गुहार नहीं लगा सकता, ऐसी परिस्थिति निर्मित हो रही है, ऐसी परिस्थिति में बहुत कुछ करना पड़ेगा आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए। और मैं बहुत खुश हुई ये सुन करके कि उन्होंने इस तरह से कहा और बड़े दिल से कहा इन चीज़ों को। और क्या क्या किया जा सकता है वो देखिए, उसमें पहले समझना पड़ेगा कि वो जेल में है क्यों। तो एक तो ब्रिटिश ज़माने से बात चली आ रही है कि क्योंकि जब से फॉरेस्ट को स्टेट ने अपना बना लिया, फॉरेस्ट हमारा है, जंगल जो है, जो फॉरेस्ट एक्ट आया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, उस समय से आदिवासी लड़ रहे हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो अपन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बोलते हैं, उससे बहुत पहले जो है ना वो संथाल हुल और ये सब हुआ है जिसमें बीसियों हजार आदिवासी शहीद हुए हैं। और उस लड़ाई की वजह से उन्होंने मतलब जो ब्रिटिश थे उनको मजबूरन ऐसे इलाके घोषित करने पड़े जिनको वो बोलते थे पार्शियली एक्सक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, मतलब जहाँ ब्रिटिश का कानून नहीं चल सकता। सो एक्सक्लूडेड एरियाज वो हैं जो आज नॉर्थ ईस्ट हैं सिक्स शेड्यूल, और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज वो हैं जो आज के फिफ्थ शेड्यूल हैं। तो मतलब वहाँ उन्होंने ये माना कि हमको हूबहू ब्रिटिश कानून वहाँ लागू नहीं करना है, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी। और वहाँ दूसरे कानून आए, गोदावरी टेनेंसी एजेंसी एक्ट्स आए, छोटा नागपुर एक्ट आया, संथाल परगना एक्ट आया, ये सारे जो चेंजेस किए गए अलग अलग जगहों में जहाँ आदिवासी थे वो आदिवासियों की ज़मीनों को बचाने के लिए थे। अब अफसोस ये कि एक आज़ाद भारत जो है ना वो इन चीज़ों को नहीं मान रहा था, और लगातार वो माइनिंग कह लीजिए या और चीज़ों के वजह से कह लीजिए ये परेशानियां आ रही थी। और बड़ी मुश्किल से जो आदिवासियों के साथ काम करने वाले लोग हैं उन्होंने पहले पीसा कानून 1996 और फिर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 ये किसी तरह से लाए, तो उसको भी लागू करने में जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स हैं वो सब पूरी तरह से लागू नहीं है। तो एक बड़ा कारण उनके जेल में होने का ये है कि वन कानून का तथाकथित उल्लंघन या वाइल्ड लाइफ कानून का तथाकथित उल्लंघन, क्योंकि उनके जीवन शैली, हाँ उनके जीवन शैली से संबंधित चीज़ें, वो उनकी जीविका है, जीवन है उनका। तो एक तो ये कारण, दूसरा बहुत सारे जो उनके ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं, ट्रेडिशनल जो कस्टमरी उनकी लॉ है वो हमारे लॉ से मेल नहीं खाता, मतलब जैसे ये महुआ का शराब बनाना ये वो, तो उसकी वजह से भी अंदर है जी, जी इन चीज़ों के लिए अपराधी बना दिया जाता है। तीसरा है कि जहाँ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, अब वहाँ की परिस्थिति तो ये है कि अगर मान लीजिए नक्सलाइट्स ने कोई हमला किया किसी थाने पे, तो FIR क्या बनेगी, 200 अज्ञात लोगों ने हमला किया, अब उसके बाद निकलेगा सर्च कॉर्डन ऑपरेशन, वो कोई इक्के दुक्के तो नहीं निकलेंगे, 200-400 निकलेंगे। तो वो जब जाएंगे गांव में तो आप ही अनुमान लगाइए कोई नक्सलाइट मिलेगा वहाँ, मिलेंगे गाँव के लोग और उन गांव के लोग, और ख़ास करके वो लोग मतलब कोई भी भाग सकेगा तो जंगल में भाग जाएगा, जो बचे हैं अपाहिज औरतें बूढ़े बच्चे इन सबको आप उठा के लाते हैं और उन सीरियस FIRs में आप उनको लॉज कर देते हैं, ठीक है। तो अब वो इतने सीरियस हैं कि बेल नहीं मिल सकती, लेकिन कुछ एविडेंस तो है ही नहीं, अंत में उनको एक्विट होना है 5 साल बाद 7 साल बाद। अभी बड़ा बड़ा इशू आया था जब 121 लोग 5 साल बाद छूटे, पर ये हमारे लिए आश्चर्य नहीं है जो लोग वहाँ के जो जो व्यवस्था है उसको समझ रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, क्योंकि वहाँ पर यही मुश्किल है कि बहुत सारे साधारण ग्रामीण पड़े हुए हैं जेलों में बड़े सीरियस ऑफेंसेस के अंदर। और इसको छत्तीसगढ़ में तो कई बार निर्मला बुज कमेटी बनी, जस्टिस पटनायक कमेटी बनी,
उनकी भी सिफारिशों को कोर्ट मानते नहीं है। इनफैक्ट एक हमारे प्रभाकर ग्वाल जी थे दलित जज, जिन्होंने बोलना शुरू किया कि भी रेन तो चेहरे से पता चल रहा है, मतलब मैं इनको नहीं डालूंगा अंदर। तो जो वहाँ के एसपीज थे उन्होंने कंप्लेंट कर दी हाई कोर्ट में कि इनकी वजह से मोराल डाउन हो रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस का, और उनको निकाल दिया गया फ्रॉम हिज पोजीशन ऑफ जज। अच्छा, फिर आप ट्रायल कर देते हो और सारे विटनेस पुलिस वाले हैं, वो आते ही नहीं है, चार्जशीट ही इतनी लंबी चलती है, बेल मिलता नहीं है, तो ये भी एक कारण है कि बहुत बहुत से लोग पड़े हुए हैं। सबसे पहली बात ये है कि शायद वहाँ के जो कोर्ट्स हैं, जैसे बहुत रिमोट एरियाज़ के जो कोर्ट्स हैं, वहाँ जो एक्यूज्ड है वो गोंडी हल्बी बोलता है, वहाँ का कोर्ट गोंडी हल्बी बोलता नहीं है। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। तो आप कम से कम वहाँ पर सोशल वर्कर्स या वॉलेंटियर्स जो आदिवासी कम्युनिटी के हैं, आदिवासी भाषा बोल सकते हैं, ऐसे लोगों को नियुक्त कीजिए, उनको कम से कम हेल्प करें अपने परिवारों से भी। परिवार कहीं है, वो कहीं सेंट्रल जेल में पड़े हुए हैं, कोई मिलने नहीं आ रहा है, पैसा नहीं है, तो एक वो। दूसरा, जो लीगल एड सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करें। आप इतना पुअर रेम्यूनरेशन देते हैं लीगल एड वालों को, मतलब अभी हाल में एक जो अच्छा एक आइडिया आया है, जो शायद जस्टिस ललित के टाइम में भी काफ़ी इम्प्लीमेंट हुआ, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, जिसमें एक्चुअली आप जैसे आप गवर्नमेंट पैनल वालों को नहीं अच्छी अच्छी सैलरी देते हो, लीगल एड वालों को क्यों नहीं दे सकते? भाई वो स्टेट को डिफेंड करते हैं, सिटीजन को डिफेंड करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे वेल पेड कॉम्पिटेंट लॉयर्स चाहिए, दैट्स द सेकेंड थिंग। एंड थर्ड थिंग, अगर आप अच्छे से चार्ज के स्टेज पे, बेल के स्टेज पे, थोड़ा एग्जीक्यूटिव के प्रेशर से दूर होके जजेस अगर सोचें, तो आप पाएंगे। मतलब जैसे एक मुझे याद है जो बंदा बहुत साल बाद निकला, उसका नाम कहीं FIR में, पूरी चार्जशीट में कहीं नहीं था नाम, पर बस वही है ना, देख के बाप रे नक्सली केस, देख के आपने उसको अंदर रख लिया, आखिर में तो छूटेगा ही ना, आखिर में तो है ही नहीं उसके खिलाफ कोई एविडेंस, नाम गलत लिखा हुआ है, और फलाना सन ऑफ अज्ञात, रेजिडेंट ऑफ अज्ञात, उम्र अज्ञात, ऐसे व्यक्तियों को तुमने कैसे अरेस्ट कर लिया इतनी कम आइडेंटिफिकेशन पे? उस नाम के तो कितने लोग होंगे? तो मतलब इस तरह की चीज़ों को थोड़ा जुडिशरी को भी ये सोचना चाहिए कि ठीक है, एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रहा है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जज हूँ, मुझे एक व्यक्ति को एज एन इंडिविजुअल देखना है कि भी इसने गुनाह किया कि नहीं किया। वो बहुत सारे खराब काम हो रहे होंगे, हिंसात्मक काम हो रहे होंगे, उनसे CRPF डील करे, उनसे सिक्योरिटी फोर्सेज डील करे, वो उनका काम है, लेकिन मेरे सामने जो व्यक्ति आया है वो गुनहगार है कि नहीं, ये तो मेरा काम है देखना। मैं उस प्रेशर के अंदर इसको अंदर नहीं रख सकता, मतलब ऐसा थोड़ा स्वतंत्र सोच से करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है, जैसे जो क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, पारधी वगैरह, तो उनके लिए तो उनको भी इसी तरह से कहीं भी चोरी हो गई, पकड़ लिया, एविडेंस नहीं रहता है, तो इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ पे मजदूरी के बारे में एक और अजीब चीज़ पता चली, मतलब वहाँ पे वेजेस कितने कम है, न्यूनतम वेज भी नहीं। कहाँ न्यूनतम वेज की क्या बात कर रहे हो आप, मतलब बोर्डिंग लॉजिंग काट देते हैं, समझ लीजिए, मतलब जैसे तिहार जेल भी है वहाँ न्यूनतम वेतन है, पर बोर्डिंग लॉजिंग काट के कुछ, मतलब कुछ बचता ही नहीं है, मतलब आप पे कर रहे हो जो आप खाना खा रहे हो उसके लिए। ये वहाँ की बात है, यहाँ तो न्यूनतम वेतन की बात ही नहीं। कहीं पे लोग जो अगरबत्ती बनाते थे, उदाहरण दे रही हूँ आपको, 2.5 किलो अगरबत्ती का माल रहता है, जिसको बनाने में उनको 1.5 दिन करीब लग जाता है, तो उस पूरे का मुझे जहाँ तक याद है 63 रुपये या कुछ मिलता था। वो लोग काम करते हैं ताकि सेन रहें, ताकि मतलब हाँ, ताकि मतलब बिना काम के इंसान काम से जुदा होके नहीं रह सकता। लेकिन उनका सही वाजिब जो है, हाँ, न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, वेतन न्यूनतम तो नहीं मिलता। जेलों में कम से कम ये तो करना ही चाहिए कि नहीं,
बिल्कुल, और मुझे डर लगता है क्योंकि अभी किसी ने बोला, जैसे मुर्मू जी ने कहा कि और जेल बना रहे, ऐसे ही किसी ने कमेंट किया था शायद किसी सुप्रीम कोर्ट जज ने, प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। भाई यही तो अमेरिका में सिस्टम है, प्राइवेट जेलें बना रखी हैं और वहाँ पे वो लोगों से काम करवाते हैं, और उससे अच्छा क्या हो सकता है, वहाँ तो यूनियन भी नहीं बन सकती है ना, तो वहाँ तो बहुत बढ़िया है, आप जिस वेज पे रखो, तो ये तो एक स्लेव लेबर हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए, उनके पास ठीक ठाक वेज होनी चाहिए, क्योंकि आखिर वो मेहनत कर रहे हैं, चाहे फील्ड्स में करें, चाहे फैक्ट्री में करें, चाहे जैसे पुरुषों के अंदर तो बहुत सारे काम होते हैं, कारपेंट्री भी होता है, ये भी होता है, वीविंग भी होता है, बहुत तरह के काम करते हैं वो लोग, पर उन इतना होना चाहिए कि वो बाहर जब निकले तो कुछ पैसा लेके निकले। जनरली यूनियन का जो स्पेस है वो काफ़ी पुरुषों से डोमिनेटेड स्पेस है, पारंपरिक रूप से भी रहा है और आज भी है। नियोगी जी ने कुछ कोशिशें की थी अपने टाइम में, खास करके जो महिला मुक्ति मोर्चा, जो शराबबंदी के खिलाफ जो पूरी लड़ाई थी उस समय, मतलब उसका एक बड़ा हिस्सा ये था कि जो शराबी पति होते थे वो यूनियन उनका उनकी तनख्वाह उनकी पत्नियों को देते थे, लेकिन एक बड़ा कारण हमारी यूनियन, नियोगी जी की यूनियन में औरतों की जगह का ये भी था कि वहाँ पे जोड़ी में काम होता था, माइंस में पति और पत्नी दोनों साथ में काम करने जाते थे, दोनों की बराबर वेतन होती थी, उस बराबर वेतन के लिए भी यूनियन ने लड़ा है कि दोनों को बराबर, पहले बराबर नहीं होता था, वो कहते थे ये अलग काम करते हैं ये अलग काम, वह अलग अलग काम कुछ नहीं, क्योंकि एक है तोड़ना और एक है लोड करना, पर ये यूनियन ने नहीं माना बराबरी की का वेतन। तो औरतें जो हैं बड़ी संख्या में थीं और वो बहुत आगे थीं, और ये सही है कि ऑटोमेटिकली वो लीडरशिप में नहीं आती हैं कहीं भी, अगर सचेतन प्रयास ना किया जाए तो वो नहीं आती हैं, पर नियोगी जी ने वो प्रयास किया, लीला बाई, हसनीन बाई जैसे लोगों को उन्होंने आगे लाए लीडर के रूप में। बाद में भिलाई में, मतलब एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि जहाँ बहुत मशीनीकरण और ये सब हो जाता है, औरतें सबसे पहले बाहर होती हैं फैक्ट्री से, तो पुरुष जो हैं वो परमानेंट जॉब्स में पुरुष ज़्यादा रहते हैं, जो औरतें रहती हैं वो क्लीनिंग या सिविल, जो जिसको सिविल काम कहा जाता है उसमें रहती हैं। बाद में भिलाई में जब हम आए तो जो केडिया डिस्टिलरीज था वो बॉटलिंग का प्लांट था, तो वहाँ बहुत सारी औरतें थी, और एक बहुत बड़ी लड़ाई, और मैं एक आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, जो जो केडिया डिस्टिलरीज की लड़ाई थी, क्योंकि उसमें बहुत महिलाएं थीं, तो उसमें महिला लोगों ने काफ़ी लीडरशिप ली, और उसमें हम लोग ही तो दो तीन महिलाएं भूख हड़ताल पे बैठे, तब वो जाके मामला सॉर्ट आउट हुआ वगैरह वगैरह। अच्छा, अब उसके बाद ये तय हुआ था कि कुछ पेमेंट दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, हर महीने उसको लेने जाना पड़ता था, वो बड़ा अंधेरी जगह में इंडस्ट्रियल एरिया के, शाम रात तक पेमेंट हो रहा है ये वो, तो उसमें जो पेमेंट करने वाले कुछ पुरुष साथी थे वो थोड़े भ्रष्ट हो गए, मतलब उन्होंने कुछ लोगों को पैसे देना, कुछ का पैसा काटना, ये सब शुरू कर दिया, इसकी शिकायतें आने लगीं, औरतें खास करके शिकायत करने लगीं। तब मैंने उनको एक चीज़ कही कि ठीक है हम इसको लड़ेंगे, लेकिन तुम लोग क्या तैयार हो इस काम को करने के लिए, मैंने हम लोगों को फिर पूरी रात वहाँ पर अंधेरे में अपने परिवार वालों को बोल के हमको वहाँ बैठना पड़ेगा, वो रिस्की चीज़ है, पैसा रहता है, गुंडे रहते हैं आजू बाजू में, ये हिम्मत के साथ हमको वो चीज़ करनी पड़ेगी तब हमको मानेंगे। उन्होंने कहा हाँ, और उन्होंने करके दिखाया, करके दिखाया तो मतलब दोनों बातें हैं, मतलब ये सही है कि जो नियोगी जी के टाइम की जो महिला मुक्ति मोर्चा था वो ज़्यादा एक विंग के रूप में था, आंदोलनों में आगे रहते थे वगैरह, जो भिलाई के टाइम में महिला मुक्ति मोर्चा बना उसमें फिर हमने महिलाओं के निजी जो समस्याएं थी, उदाहरण के हमारे खुद के ट्रेड यूनियन नेता अगर अपनी औरतों के साथ मारपीट कर रहे, एक ऐसा केस आया था, और पर पब्लिकली हमने महिलाओं ने उनको डिनाउंस किया, पर ये कठिन चीज़ें होती हैं, शुरुआत में तो नहीं मिली, बहुत दिनों तक नहीं मिली, और भिलाई जाने के बाद थोड़ी ज़्यादा मिली, पर जैसे मैंने कहा कि वकील बनने के बाद मुझे आसानी होने लगी, क्योंकि साथियों को एक तो ये भी समझ में आया कि इनका इनकी एक भूमिका है,
ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमारी तरफ से बोल रही हैं, एक यूटिलिटी दिखती है ना कि हाँ ये है। लेकिन फिर उस वजह से फिर आप सुनते भी हैं चीज़ों को, तो निश्चित रूप से इससे मुझे मदद मिली और इस वजह से मैं दूसरी औरतों के लिए जगह बना पाई। लीडरशिप में तो बहुत कम दिखती हैं औरतें, जबकि औरतें मजदूरों के बीच में तो बहुत हैं, पर मुझे उसमें लग रहा है कि अभी चेंजेस तो आएंगे। और ख़ास करके मुझे ये आपके आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इन सब के आगे आने से काफ़ी मुझे आशा है कि पारंपरिक यूनियनों में भी इनको आना, इनको लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा सामने, क्योंकि मिलिटेंट तो वो हमेशा रहती हैं, तो ये एक फ़र्क आएगा। पर इसके लिए बहुत कोशिश के, मतलब सचेतन, ये एक सचेतन प्रयास है। अब छोटा छोटा सा उदाहरण है, आप मीटिंग कहीं पे कर रहे हैं, सब पुरुष अपनी साइकिलों पे आ गए, औरतें अक्सर पैदल आती हैं, अकेले नहीं आ सकती, किसी जोड़ीदार को लेके आना पड़ेगा। पर मुझे याद है उस समय, मतलब हम लोग एकदम मीटिंग जब ख़त्म हुई, रात हो गई है, इंश्योर करते थे कि हर एक को छोड़ने के लिए कोई को, किसी ना किसी पुरुष साथी को साइकिल से छोड़ना पड़ेगा। मतलब ये बहुत छोटी बात है, पर जब तक आप बोलेंगे नहीं, अपने आप कोई नहीं करेगा। जब आप भाषण के लिए उनको, अब शुरू में जब हम भाषण देते थे जैसे महिलाओं को, मतलब नहीं नहीं दीदी हम नहीं बोल पाएंगे, नहीं नहीं हम नहीं बोल पाएंगे, अरे कुछ मत करो, इंकलाब जिंदाबाद बोलो, जाओ ना स्टेज पे, थोड़ा सा बोलो तो सही। ये जो प्रोसेस है कि उनको भी जगह देना है, उनको भी बात करवाना है उनको, और खास करके 8 मार्च का प्रोग्राम टोटली उन्हीं के हाथ में देना है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। माने इसको करना पड़ेगा, ये ऐसे ऑटोमेटिक नहीं होने वाला है। देखिए समय तो मजदूर वर्ग के लिए बहुत खराब है, मतलब अभी तो हम सुन रहे हैं लॉकडाउन के बाद ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो और वेजेस खराब हो गए हैं, कम हो गए हैं। अभी तो मतलब हम पहले कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रेगुलराइज करने, परमानेंट करने की बात करते थे, वो तो परमानेंट वर्कर ही ख़त्म किया जा रहा है। अभी तो मतलब सब, हर कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होगा, मतलब स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। वर्कर यूनियंस, यूनियनाइज लोग बहुत कम हैं, यूनियंस जो परमानेंट यूनियंस हैं परमानेंट वर्कर्स ही श्रिंक करते जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए मतलब अब हम देख ही रहे हैं मानेसर वगैरह की सिचुएशन, एक यूनियन बनाने के लिए लोग कितने साल जेल चले गए और क्या क्या नहीं हुआ उसके पीछे। तो बहुत कठिन परिस्थिति है, बहुत कठिन परिस्थिति है, पर आशा भी है, बहुत है, मतलब ऐसा नहीं कि आशा नहीं है। एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के यूनियंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स, उनकी खुद की पेमेंट ऐसी है कि वो अपने यूनियन में चंदा भी नहीं दे सकते, यूनियंस के पास रिसोर्सेज नहीं हैं। पर हमने मतलब वही है, और दूसरी चीज़ है कि हम लोगों ने क्योंकि नियोगी जी का ज़माना देखा है, जिस टाइम मतलब माइन वर्कर्स ने ऐसा यूनियन बनाया जिसने बाद में भिलाई आंदोलन को पूरा सपोर्ट किया, वहाँ चावल भेजा, बेलाडीला में चावल भेजा, एक पूरी चारों तरफ सॉलिडारिटी, मतलब किसानों को सपोर्ट किया, तो ये मॉडल होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। पर अभी हमारे यूनियंस के पास ये रिसोर्सेज नहीं हैं, मतलब कठिन लड़ाई है, बहुत फ्रेगमेंटेशन बहुत है, हाँ, और इसमें बिना लेकिन मजदूर वर्ग यूनिटी चाहता है, ये कमी नेतृत्वों की है, हम लोगों की कमियां हैं ये। मतलब मैं बार बार लोगों को किसान आंदोलन का उदाहरण देती हूँ, 28 यूनियन थे अलग अलग विचारधाराओं से, और अलग अलग जगहों पे काम करने वाले, अलग शैली से काम करने वाले, पर उन्होंने तय किया कि हम ये करेंगे। उनके पास एक एडवांटेज था कि स्टेइंग पावर जो है वो, क्योंकि एकदम गरीबतम लोग नहीं थे वो, रिच पेजेंट, रिच फार्मर्स थे, या मतलब थोड़े मतलब संपन्न किसान थे, पर उन्होंने अपने पीछे गांव के मतलब दलित जो खेतिहर मजदूर से लेके और कनाडा में बैठने वाले एनआरआई तक सबको अपने पीछे समेट लिया उन्होंने। मतलब ये गजब चीज़ है, और सबको आना पड़ा, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट भी सपोर्ट कर रहे थे उनको, मतलब पॉप स्टार दिलजीत दोसांझ जैसे पॉप स्टार भी सपोर्ट कर, मतलब पूरी पंजाब की सोसाइटी उनको सपोर्ट कर रही थी।
ये परिस्थिति हमको निर्मित करनी पड़ेगी। ये चीज़ योगी जी ने भी करके दिखाया था मशीनीकरण की लड़ाई के दौरान, जो सबसे गरीब जो जो माइनर था, जो ठेका मजदूर था उस समय, वो लीडरशिप में आके और उसके पीछे दुकानदार और ट्रक ट्रांसपोर्टर और ये सारे पीछे आए और मशीनीकरण की लड़ाई वहाँ कम से कम उस पीढ़ी के लिए तो सफल की। तो ये हो सकता है, पर इसके लिए हम लोगों को जो हम जो जो ट्रेड यूनियन की लीडरशिप्स हैं इनको बहुत इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे एकता बनाए, रियल एकता, रियल सॉलिडारिटी। मतलब नाम पे सब लोग कहते हैं एकता, लेकिन उनका एकता से मतलब होता है तुम आओ हमें ज्वाइन करो ये एकता का मतलब होता है। एकता का मतलब ये नहीं होता देखो मेरी भी कुछ अच्छाइयाँ हैं और तुम्हारी भी कुछ अच्छाइयाँ हैं और दोनों की भी कुछ कमियाँ हैं, लेकिन फिर भी हम लोग चलो मिल के एक कॉमन प्रोग्राम के लिए काम करते हैं। ये इस एटीट्यूड के साथ हमको एकता बनानी पड़ेगी शायद, कर सकते हैं क्योंकि आखिर इस देश को तो गरीब मजदूर वर्ग ही चला रहा है ना।